चाहे किसानों के लिए ऋण माफी की बात हो, सब चीजें अच्छी की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से हम लोग नहीं आ पाए। उसमें एक प्रमुख कारण जो रहा कि देश के प्रधानमंत्री जो देश के लिए काम करने के लिए उनको समय मिला और 10 साल के लगभग हो गए, लेकिन वो केवल किसी भी स्टेट में चुनाव आते हैं तो वो स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्री के दावेदार बताए जा करके या बन करके और भाषण देते हैं, जो भी कोई तथ्यहीन बातें होती हैं वो भी अपने अभिभाषण में कहते हैं। और जो तानाशाही का जो रवैया चल रहा है आज की तारीख में देश में संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को तारताल किया जा रहा है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ऐसे में राहुल गांधी जी के जो मुद्दे हैं वो प्रासंगिक हो रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि हम राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें हम कांग्रेस को भारी बहुमत दे करके यहाँ से लोकसभा, क्योंकि देखिए जो 10 मुद्दे लगभग मोदी जी ने 2014 में बताए थे, महंगाई कम करने की बात की थी, रोजगार की बात की थी, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, विदेश नीति ठीक करने की बात की थी, अपनी आर्थिक नीति ठीक करने की बात की थी, आज उठान के बराबर हमारे रुपए की कीमत हो गई है और हम पाकिस्तान और श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, जबकि जो हमारे देश के शहीदों ने, महापुरुषों ने, स्वतंत्रता सेनानियों, देश को आज़ाद कराने के बाद में महान नेताओं ने त्याग तपस्या और बलिदान से इस देश को सींचा और स्वर्णिम भारत बनाया है, उसमें आज ये स्थिति पैदा होगी कि धर्म के आधार पर झगड़े कराए जा रहे हैं। अब आप बताइए कि महंगाई मुद्दा नहीं है इनके लिए, इनके लिए रोजगार मुद्दा नहीं है, इनके लिए सोशल सिक्योरिटी मिले वो मुद्दा नहीं है, इनके लिए किसान का नेशनलाइज बैंकों का ऋण माफ हो वो मुद्दा नहीं है, इनके लिए मुद्दा है कि धर्म के आधार पर प्रभु श्री राम की बातें करो, जय श्री राम बोलो। तो भाई जय श्री राम आप साथ में लेके थोड़ी आए हो, जब से ये सृष्टि की रचना हुई है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु श्री राम को सब मानते हैं और हर धर्म के लोगों में इज्जत है, हर धर्म के लोग उनकी मर्यादा का उदाहरण दे करके और गौरवान्वित महसूस होते हैं, लेकिन इन्होंने केवल चुनावी एजेंडा बना दिया है। आप देख सकते हो कि 5 साल में जितने विकास राजस्थान में हमारी सरकार के समय हुए उतने विकास के काम पिछले 50 सालों में कभी भी 5 साल 10 साल में भी नहीं। आज 2 महीने से ये सरकार है, आप बताओ मंत्री मुख्यमंत्री बनाने में कितने दिन लगे और मुख्यमंत्री को ऐसे बनाया गया कि जैसे वो पिक्चर है अली बाबा 40 और गुलजार सिंह से, और पर्दा खुल जाता है बोलते हैं पिक्चर से पर्ची आई मुख्यमंत्री देखा, राजनाथ सिंह जी की तरफ देखा, समझ में नहीं आया मैं बोलूं क्या बोलूं, सामने जिन लोगों को मुख्यमंत्री का चयन करना है उनका रिएक्शन देखिए, उनका भाव देखिए, एक भी आदमी ने ताली नहीं बजाई। फिर राजनाथ सिंह जी को कहना पड़ा कि क्या वो कोई नाम है क्या आपके पास, समझिए। फिर भी चलिए उनकी मर्जी है, जिसको बनाए, फिर मंत्री बनाने में 20 दिन, मंत्रियों के विभाग बांटने में 20 दिन, उनके ऐसे अभी भी नहीं लगे हैं, 100 दिन की कार्य योजना बनाने में 50 दिन तो हो गए, 100 दिन की कार्य योजना 7 दिन में 3 दिन 14 दिन बनती है, एक कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें मोदी जी को धन्यवाद, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। महामहिम राज्यपाल से जो बातें कहवाई है वो सारी की सारी बातें जो हमारे 5 साल के अभिभाषण में जो अच्छी बताई थी उनको सबको बुरा बता दिया गया, और ये जो देश के इतिहास में किसी स्टेट में नहीं हुआ होगा वो इन्होंने करके दिखा दिया कि महामहिम राज्यपाल अपने अभिभाषण में स्वयं लिख रहे हैं कि दिनांक इतने को राज्यपाल के अभिभाषण में गलत बात बीजेपी का थोड़ी होता है, राज्यपाल संवैधानिक पोस्ट होती है, हर संविधानिक पोस्ट की दवा गिराने का काम कर रहे हैं। कल मैं पढ़ रहा था किसी अखबार में एक चैनल में कि मार्केट अरमा जी बहुत वरिष्ठ नेता है हमारे यहाँ राज्यपाल में, राज्यपाल वो कह रही ये तो बीजेपी के दफ्तर बन गए, राज्यपाल भवन तो बीजेपी के दफ्तर बन गए। तो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।